खबर मंदसौर से। डकैती की योजना बनाते 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। जी हां, मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 28 लाख का मसूरका बरामद किया गया है। गौरतलब है कि उक्त आरोपियों ने शामगढ़ के व्यापारियों का माल से भरा ट्रक चोरी किया था, जिसे बरामद कर लिया गया है। बहरहाल मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य 6 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो चुके हैं, जिनकी शामगढ़ थाना पुलिस के द्वारा तलाश जारी है। गरोठ जुरिसडिक्शन में हमारे कुछ चोरी की वारदात हो रही थी, तो जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग का तरीका है मुखबिर को एक्टिवेट करने का, तो उसको किया था। तो हमें सूचना मिली कि 1 और 2 तारीख के दरमियानी रात को कुछ लोग जो अपना सिद्धि विनायक टोल कांटा है शामगढ़ में, वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और कुछ ना कुछ घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। जब पुलिस ने दबिश दी तो उनमें से 5 लोग पुलिस के हाथ चढ़ गए थे, 6 लोग अंधेरा का फ़ायदा उठा के भाग गए थे। जब इन 5 लोगों को लाके पूछताछ की गई, जिनमें से 4 लोग झालावाड़ के निवासी थे और 1 थाना सुवासरा के निवासी, जब इनसे सघन पूछताछ की गई तो इसमें इन्होंने सुवासरा में और भी घटनाओं शामगढ़ में और भी घटनाओं को करना बताया, जिसमें कि एक सनसनीखेज वारदात हुई थी शामगढ़ में, जिसमें कि 8 व 9 तारीख की दरमियानी रात को एक परचूने से भरा हुआ ट्रक जो अनलोड होने से पहले ही इन लोगों ने चोरी कर लिया था। फिर जब इनसे माल के बारे में बात की गई तो इन्होंने इनसे करीब 20 लाख का माल उसमें रिकवर हो चुका है। साथ ही साथ इन आरोपियों से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें भी रिकवर हुई हैं और कुछ अन्य सामान भी रिकवर हुआ है। इस तरीके से कुल 5 चोरी के जो प्रकरण थे हमारे वो भी क्लियर हुए हैं, साथ और करीब 28 लाख का मशरूका इन लोगों से हमने बरामद किया। सर, कितने आरोपी फरार बताए? इनके करीब इसमें जो 6 तो इसमें जो इनके कल मौके से फरार हुए थे प्लस, और इसमें कुछ जो आरोपी चोरी में भी फरार है, तो टोटल 8 आरोपी अभी फरार हैं, जिनको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। इनके लिए टीम गठित कर दी गई है।